सिस्टम, अब सिस्टम बूट करने के दौरान जब हम सिस्टम बूट कर रहे हैं अपना, तो सबसे पहले हमारा डिस्प्ले पे यही आ रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो बूट नहीं हो पा रहा है, नीचे आ रहा नो बूटेबल डिवाइस। तो सबसे पहले तो जो सिस्टम बूट है वो हार्ड ड्राइव से करता है, तो हम पहले हार्ड ड्राइव ही चेक करेंगे अपनी। तो हार्ड ड्राइव रहेगी हमारे इस पार्ट में, तो सबसे पहले इसी को खोलते हैं। बात मैं बता दूं कि सेम प्रोसीजर हमारा डेस्कटॉप के लिए भी रहेगा, लैपटॉप के लिए भी रहेगा, क्योंकि डेस्कटॉप में भी हार्ड ड्राइव होगी, तो हार्ड ड्राइव को हमें सेम निकालना है। उसमें थोड़ा इजी रहेगा, स्क्रू वगैरह दो ही होंगे। इसमें कई लैपटॉप्स में ऐसा भी होता है कि बैक पैनल जो है पूरा मर्ज होता है, मतलब एक अलग से पैनल नहीं दिया होता हार्ड ड्राइव में रैम के लिए, तो उसमें पूरा मर्ज होता है, ये लाइनिंग वगैरह ये अलग से खुल नहीं सकता है ये पैनल। मेरे वाले में है तो थोड़ा जल्दी खुल जाएगा। अब जैसे ये हमारा अंदर का हो गया सिस्टम, ये रैम हो गया, ये ऑप्टेन मेमोरी होती है इसमें, और ये हार्ड ड्राइव जो इस ट्रबल शूटिंग के दौरान हमें इस पे काम करना है। ये बेसिकली है एसएसडी है मेरी 128 GB की। हमें करना कुछ नहीं है, इसे निकाल के इन केस अगर हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है तो उसको भी ऐसे ही सर्किट वगैरह साफ़ कर लेने हैं पहले प्रॉपर। हार्ड ड्राइव के केस में ऐसा है कि अगर बिल्कुल भी डेड हो, अगर डेड हो चुकी हो या कुछ ऐसा हो कि पावर सप्लाई ना दे, तो हम चेक भी कर सकते हैं, पर इन केस ऑफ एसएसडी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। साफ़ करके हमें हार्ड ड्राइव या एसएसडी जो भी आपके पास होगी वो फिर से प्लग इन कर देनी है। सबसे पहले तो अभी बूट करके देखते हैं हार्ड ड्राइव साफ करके। नहीं, अब हमारा इस ट्रबल शूटिंग वाला अगर सिस्टम नहीं ठीक होता है, जैसे मेरा भी नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, हमें चेक करना है कि जो हमारी हार्ड ड्राइव है, क्योंकि ये बूट कह रहा है हार्ड ड्राइव रिलेटेड ही है, तो हार्ड ड्राइव है जो वो सिस्टम से डिटेक्ट कर भी रही है या नहीं। तो डिटेक्ट कर रही है हमारी हार्ड ड्राइव या नहीं, ये चेक करने के लिए तो हमें सिंपली विंडोज 7 पेन ड्राइव या 10 से किसी से भी बूट करना है। मेरे केस में जो बूट मेनू खुलने के किए वो है F12, आपके केस में F8 भी हो सकती है, F10, F11 या एस्केप या F2 भी हो सकती है। तो अपने सिस्टम के हिसाब से आपने चेक कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल डाल दूंगा कि किस मदरबोर्ड या किस सिस्टम के लिए कौन सी की यूज़ होती है। तो अभी तो फ़िलहाल हमें अपनी पेन ड्राइव से, जैसे हम सैंडिस्क की USB लगाई है हमने, तो इससे बूट करवा लेना सिस्टम को। जैसे कि इंटरफेस खुल चुका है, तो हमें सिर्फ अपने कीबोर्ड से F10, शिफ्ट F10 करना है और करना है डिस्क पार्ट। ये कमांड रहेगी हमारे डिस्क पार्ट। उसके बाद लास्ट कमांड है लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क में जैसे ये हमारा शो हो रहा है नीचे ऑनलाइन 111 GB, ये मेरी है SSD 111 GB की। तो इससे तो फिलहाल हमें ये पता चलता है कि हमारी हार्ड ड्राइव या SSD जो भी है वो डिटेक्ट कर रही है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, जैसे हमारा पहला स्टेप था हार्डवेयर का, नेक्स्ट रहा हमारा सिस्टम में वो शो भी हो रही है या नहीं सॉफ्टवेयर का। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा बायोस। बायोस में चेक करना है हमें कि ये सिस्टम बूट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो
बाहर की की मेरी रहेगी F2। फिर आप यहाँ से करना। बायोस के लिए तो F2 की है मेरी, तो फिलहाल बायोस में मुझे जाना है। हमें साटा ध्यान रखना है, साटा कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी है ऑन रहे, क्योंकि साटा पोर्ट पे ही हमारी डाटा ट्रांसफ़र होता है किसी भी हार्ड ड्राइव से सिस्टम में, ताकि होस्ट बूट करने के लिए। तो साटा हमारा ऑन रहना चाहिए, पहली सेटिंग तो हमारी ये रहेगी। दूसरी हमारी सेटिंग रहेगी कि हमारे डेट और टाइम, जैसे 26 मई 2001 है, तो हमें चेक यही रखना है कि ये टाइम और डेट हमारा ठीक रहे। टाइम चाहे ऊपर नीचे चल सकता है, पर डेट हमारी एग्जैक्ट होनी चाहिए। और लास्ट हमारी सेटिंग जो इसमें रहेगी वो तो हमारी बूट पे रहेगी। अब मेरे केस में मुझे यहाँ तक ज़्यादा, जब मैंने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किया था तो वो किया था UEFI मोड में। तो आपको कोशिश ये करनी है, जिस सेटिंग पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाया था जिस टाइम, उसी सेटिंग पे हमेशा रहे, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट होने में कोई इशू ना आए। तो ये दो सेटिंग्स थी हमारी मेन, और थर्ड थी हमारी टाइम और डेट। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही हमारी तीनों सेटिंग्स हो जाएं, मेन सेटिंग ये तीन ही रहेंगी, तीन सेटिंग होने के बाद हमें सेव कर देना और चेक करना है कि सिस्टम एक्चुअल में बूट हो भी रहा है या नहीं। अब सीन ऐसा है कि ये सिस्टम अब नॉर्मली बूट होने लग चुका है, तो अभी आप तीन स्टेप तो आपने जाने लिया। अब अगर आपको इन तीन स्टेप के अलावा ट्रबल शूटिंग में कोई एरर आता है, या फिर इन तीन ट्रबल शूटिंग के बावजूद आपका सिस्टम बूट नहीं हो पा रहा है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू। Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die.